हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी की अगर हम बात करें तो सांख्य फिलोसफी और वेद फिलोसफी जो है वो हमने डिस्कस कर ली है। अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी है तो एक बार जाके वो दोनों वीडियोस देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट एजुकेशन के लिए स्पेशली। ठीक है, बीएड वगैरह में या एमएड में जहाँ आपके सिलेबस में है वहाँ के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बट यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज हम बात करेंगे वेदांता फिलोसफी या उत्तर मीमांसा फिलोसफी जिसको बोलते हैं। मैंने जब शॉर्ट वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, इंडियन फिलोसफीज जो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफीज हैं उनमें जो है मैंने क्या बताया था कि हर एक फिलोसफी के आगे मैंने उनके प्रोफाउंडर का नाम जो है वो लिखा था, लेकिन वेदांता फिलोसफी के सामने मैंने नहीं लिखा था। एंड आई वॉज लाइक कि आपको जब पूरा टॉपिक करवाया जाएगा उस टाइम पे डिटेल में इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, सो ये वीडियो जो है वो पिछले के कंपैरिजन में यानी सांख्य और जो योग फिलोसफी है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लंबा में भी हो जाए क्योंकि इसमें कंटेंट ज्यादा है और हमें ज्यादा चीजें पढ़नी पड़ेंगी इसके बारे में। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप खुद कर दीजिएगा। जो वेदांता कोई भी फिलोसफी जो है, मैंने बताया था कि ऑर्थोडॉक्स स्कूल और अनऑर्थोडॉक्स स्कूल होते हैं। ऑर्थोडॉक्स वेदाज को सुप्रीम मानते हैं और उन्हीं को आस्तिक टाइप ऑफ स्कूल्स भी बोला जाता है। और वो ऑर्थोडॉक्स स्कूल में हम 6 स्कूल्स पढ़ते हैं जिनमें से 3 हमारे सिलेबस में हैं। ठीक है, वेदाज को जो है वो श्रुति भी बोला जाता है और वेदाज को डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में, यानी 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और उनमें क्या क्या चीजें होती हैं, किस मतलब वो किससे रिलेटेड हैं, जैसे ऋग्वेद में मंत्र और प्रेयर्स से रिलेटेड हैं चीजें जो रिटन टेक्स्ट है, यजुर्वेद में रिचुअल से या सेरेमनी से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो होती हैं, सामवेद में मेलोडीज और चैंट्स यानी जो म्यूजिकल वे में, अगर म्यूजिक किसी की बात की जाए ना कि कौन से वेद में म्यूजिक जो है तो वो सामवेद होगा। ऐसे ही अथर्ववेद में मैजिक स्पेल्स जैसे कि जो टोना टोटका के लिए जो जादू मंत्र होते हैं वो अथर्ववेद में होते हैं। अब हर एक वेद को भी किसमें 4 सब डिविजन में डिवाइड किया गया है, ये रिपीट हो गया। फर्स्ट है संहिताज जिसमें मंत्र और बेनेडिक्शंस होंगे, मतलब हर एक वेद के शुरू में संहिताज होंगे, फिर ब्राह्मणाज होंगे, फिर अर्यंकाज होंगे, फिर उपनिषद होंगे। सो वो जो लास्ट पार्ट है ना हर एक वेद का वो क्या है, उपनिषद है, यानी कि बिल्कुल लास्ट में जो चीजें डिस्कस की गई हैं। सो वो उपनिषद से ही क्या आया है वेदांता फिलोसफी, क्योंकि वेदांता का लिटरल मीनिंग भी क्या होगा, वेद एंड अंत, यानी एंड ऑफ वेदाज, मतलब उस वेद का अंत है उपनिषद। ठीक है, हर वेद का सो कंक्लूडिंग पार्ट होता है ये वेद का, कल्मिनेशन ऑफ वेदिक टीचिंग एंड विजडम। तो इसमें ओवरऑल वेद में क्या बताया गया है वो सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। तो इसीलिए कई बार बोल देते हैं उपनिषद जो है वो रिपीटेशियस भी होते हैं। ठीक है, तो उपनिषद जो है वो ओरिजिनल वर्ड ओरिजिनल मीनिंग से, मतलब ओरिजिनली इसको उपनिषद बोला जाता था, फिर जो है वो क्या बोला जाने लग गया कि हाँ वेदांता यानी वेद के अंत में जो है। सो वेदांत की जो मतलब जो हर एक वेद के अंत में लिखी हुई हैं चीजें उनको एक सिस्टमेटिक वे में जो है क्या कर दिया गया, फिलोसोफिकल बिलीफ की तरह वहां पे लिख दिया गया। और वो किसने लिखा, वो है बद्रयाना ने। सो बद्रयाना ने क्या लिखा, वेदांता सूत्र लिखा। जैसे सांख्य सूत्र था, योग सूत्र था, वैसे ही वेदांत सूत्र किसने लिखा, बद्रयाना ने। लेकिन बहुत सारे लोग हैं टाइम के साथ साथ कि वेदांता फिलोसफी को जिन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, अपने हिसाब से चीजें की और उसको प्रोपिगेट किया और फैलाया आगे, तो वो क्या हो गए, एक तरीके से प्रोपोनेंट्स हो गए। सो वो प्रोपोनेंट्स में से सबसे इन्फ्लुएंशियल स्कूल है जिसको किसने किया, जिसके प्रोफाउंडर कौन है, जिसको किसने फाउंड किया, आदि शंकराचार्य ने। सो कई बार बोल दिया जाता है क्योंकि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्कूल है तो हम ज्यादातर उसी के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए वेदांता फिलोसफी किसने प्रोफाउंड की, आदि शंकराचार्य ने। तो आपको कई बार वेदांता फिलोसफी के आगे जब आप प्रोफाउंडर का नाम देखेंगे कई बुक्स में तो वो शंकरा भी लिखा मिल जाएगा। सो वो चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है कि वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्कूल था वेदांता फिलोसफी के अंडर, जबकि वेदांता सूत्र जो ये उपनिषद के जो एंड में थे यानी हर वेद के अंत से चीजें उठा के उनको सिस्टमेटिकली एक फिलोसफिकल बिलीफ जो है वो किसने बनाया, बद्रयाना ने बनाया। ठीक है, सो आई होप आपको ये कंफ्यूजन ना हो, समझ आई हो चीजें। वेदांता सूत्र क्योंकि वेद के अंत से उठा के चीजें सिस्टमेटिक वे में लिखी गई हैं, बट वेद को भी क्या माना जाता है कि वो ब्रह्मा के शब्द हैं, यानी परम ब्रह्मा ने ये शब्द बोले थे और वो लिखे गए थे। सो एक तरीके से वर्बल टेस्टिमनी की तरह भी हम यूज कर सकते हैं। सो इसलिए इसको ब्रह्म सूत्र भी बोला जाता है। इट ऑल्सो डील्स विद द एम्बॉडीमेंट ऑफ द अनकंडीशनड सेल्फ, सो इसीलिए इसको सारीरा का सूत्र भी बोला जाता है। तो ये 3 नाम आप याद रखेंगे, वेदांता सूत्र, ब्रह्म सूत्र और सारीरा का सूत्र।
सूत्र, बात एक ही है जो बद्रयाना ने बोली है, सेम, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, जैसे ये मैंने बोला था ना आदि शंकराचार्य। सो वेदांत फिलोसफी की जब हम बात करेंगे तो उसको भी एक एक्सीलेंट सोर्स माना जाता है। क्या टेक्स्ट है वो? विवेक चौदमनि, ठीक है। सो ये जो नाम है ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि आदि इसीलिए मैंने बोला कि आदि शंकराचार्य और कभी कभी बद्रयाना में कंफ्यूजन हो जाता है कि किस कौन जो है प्रोफाउंडर है या किसने लिखी थी चीजें। सो आई होप आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। अब अगर हम वेदांत सूत्र की बात करें तो इसमें चार चैप्टर्स हैं। उन चार चैप्टर्स में क्या क्या चीजें मेंशन है वो एक बार देख लेते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो किससे डील करता है? थियोरी ऑफ ब्रह्मा एज द सेंट्रल रियलिटी, यानी ब्रह्मा जो है वो क्या है? सेंटर है, ठीक है। सो ब्रह्मा को सेंटर मान के ये चीज जो एक्सप्लेन की गई है, इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, वो फर्स्ट चैप्टर में मेंशन है। सेकंड चैप्टर में क्या मेंशन है कि जो कई बार होता है ना कि हर फिलोसफी के अगेंस्ट कुछ व्यूज होते हैं, सो वो जो अगेंस्ट और क्रिटिसाइज करने वाली राइवल थियोरीज थी उनके ऑब्जेक्शंस को यहाँ पे क्लियर आउट किया गया, उनके अगेंस्ट जो है वो व्यूज यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं, ये बताने के लिए कि ये जो वेदांता फिलोसफी में बोला गया है वो सही है, ठीक है। सो इट ऑल्सो गिव्स एन अकाउंट ऑफ द नेचर ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ वर्ल्ड ऑन गॉड, तो कैसे नेचर जो है या जो वर्ल्ड है वो किस पे डिपेंड है? गॉड पे डिपेंड है। ग्रेजुअल इवोल्यूशन किससे होता है? मतलब आप भगवान से ही बन रहे हैं और भगवान में ही विलीन हो जाते हैं बाद में मरने के बाद, ठीक है। सो ग्रेजुअल इवोल्यूशन कहां से होता है और रीअब्सॉर्प्शन वापस गॉड में ही हो जाता है, ये चीज इसमें एक्सप्लेन की गई है। इसमें इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल डिस्कशंस भी हैं, किसके बारे में? नेचर ऑफ सोल, यानी आत्मा का जो सोल होता है उसके बारे, मतलब सॉरी, आत्मा तो खुद ही सोल है, आत्मा का जो नेचर होता है, सोल का जो नेचर होता है उसके बारे में, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में, और उसका जो रिलेशन है गॉड के साथ, बॉडी के साथ, या खुद के जो आप काम कर रहे हैं उनके साथ। सो वो सारी चीजें यहाँ पे साइकोलॉजी वे में डिस्कस की गई है सेकंड चैप्टर में। अगर थर्ड चैप्टर की बात करें, सो जो आप चीजें देख रहे हैं या जो ब्रह्म विद्या है आप उसको कैसे जो है वो पाएंगे, मतलब आप में कैसे आए वो, तो वो जो साधना एक पार्ट है कि मींस, मतलब वेज और मींस डिस्कस किए गए थर्ड चैप्टर में कि आप ब्रह्म विद्या को कैसे अटेन कर सकते हैं, ठीक है जी। फोर्थ चैप्टर जो है वो क्या करेगा? फल के बारे में, जैसे होता है ना कि कर्म कीजिए फल की इच्छा मत कीजिए, तो ये जो फल है किसी भी काम करने का, तो जो फल है, फ्रूट है ब्रह्म विद्या का, कि आप ब्रह्म विद्या अटेन कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, सो उसका क्या फल मिलेगा आपको, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं कि कैसे जो है मृत्यु के बाद या डेथ के बाद आप जो है क्या हो जाते हैं, गॉड में ही समा जाते हैं, तो वो सारी चीजें, और उसके बाद आप रिटर्न का कोई लेना देना नहीं होता, तो आप समा गए हैं पूरे, तो ये फाइनल चैप्टर में बताया गया। तो ये चार मेजर चीजें याद रखिए बस, कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर में क्या क्या चीजें बताई गई हैं, मेनली किस चीज के ऊपर फोकस्ड है। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वेदांता स्कूल्स। ये जैसे मैंने आपको बताया ना कि वेदांता फिलोसफी टाइम टू टाइम चेंज हुई है, जो जो आगे प्रोपोनेंट्स आए, अब जिन्होंने ये जो वेदांता फिलोसफी के जो अलग अलग स्कूल्स हैं, छह स्कूल्स जो आपको दिख रहे होंगे, जिन्होंने इनको दिया, इन स्कूल्स को, जैसे आदि शंकराचार्य ने किसको दिया? अद्वैत वेदांता को दिया, विशिष्ट अद्वैत, तो ये रामानुज ने दिया, तो इनके आगे हम आचार्य आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना कि रामानुज आया हुआ है या आचार्य आया हुआ है, तो रामानुजाचार्य या रामानुज एक ही बात है। सो ये जिसने दिए, ये आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधव, निम्बार्का, वल्लभ और चैतन्य महाप्रभु, सो ये जो नाम दिख रहे हैं आपको इनको प्रोपोनेंट्स बोला जाता है, और ये जो स्कूल्स दिख रहे हैं आपको ये क्लासिफिकेशन होगी। कई जगह पे आपको क्या मिलेगा कि ब्रांचेज और सब ब्रांचेज ऑफ वेदांता मिलेगा, जिसमें ब्रांचेज में आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट से लेके थर्ड स्कूल तक मिलेंगे, और ये जो फोर्थ से फिफ्थ सिक्स दिखा रखे हैं ये सब ब्रांचेज में काउंट कर दिए जाते हैं। सो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये स्कूल्स हैं और इनमें इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये क्या मानते हैं गॉड या सोल के बारे में, ठीक है, इनकी पर्टिकुलर क्या फिलोसफी है। सो एक बार इन छह के छह स्कूल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अद्वैत वेदांता किसने दिया? आदि शंकराचार्य ने, 8th सेंचुरी के अराउंड इसको मान लिया जाता है, ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्कूल है, यानी जब हम वेदांता फिलोसफी में मेटाफिजिक्स या फिर बाकी एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, ये चीजें पढ़ेंगे, सो उस टाइम पे हम किस कौन से स्कूल की बात कर रहे होते हैं? अद्वैत वेदांता की बात कर रहे होते हैं। अद्वैता मतलब
ए से मतलब एब्सेंस और द्वैता मतलब ड्यूअलिज्म, यानी नॉन ड्यूअलिज्म है या एब्सेंस ऑफ ड्यूअलिज्म है या मोनोइज्म है, एक ही बात हो गई, मतलब ड्यूअलिज्म नहीं है। और ड्यूअलिज्म से हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे कि दो अलग अलग नहीं है, मतलब जो एक वो होता है ना एक अल्टीमेट रियालिटी एक ही है, दो नहीं है। जैसे सांख्य फिलोसफी में रियालिटी हम अल्टीमेट किसको बोल रहे थे कि अल्टीमेट कॉज है, पर प्रकृति है, प्रकृति और पुरुष से मिलके चीजें बनती हैं, सो वो दो अल्टीमेट रियालिटी बताई गई थी। ऐसे ही यहाँ पे क्या है कि नॉन ड्यूअलिज्म है, दो नहीं है, ब्रह्मा ही क्या है एक ओनली अल्टीमेट रियालिटी है, और बाकी सारा संसार जो है वो क्या है, इल्यूजन है, मोहमाया है। ठीक है, तो ये जो आदि शंकरा थे इन्होंने क्या किया, ही एक्सपोज्ड हिज ओन सिस्टम ऑफ एब्सोल्यूट आइडियलिज्म जिसको अद्वैतवाद भी बोल दिया जाता है, या जैसे हमने बोला अद्वैत वेदांता। ठीक है, सो अद्वैतवाद है, अद्वैत लिखा हुआ है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ये क्या है आदि शंकराचार्य ने ही दिया है। और नॉन ड्यूअलिज्म है यानी दो चीजें नहीं है, सिर्फ एक ही है, मोनोइज्म है, ब्रह्मा जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है, इग्नोरेंस जो है वो कॉज ऑफ ऑल सफरिंग है, जो भी सफरिंग या दुख होंगे संसार में उनका कारण इग्नोरेंस है, ट्रू नॉलेज जो है ब्रह्मा की वो अगर आपने अटेन कर ली तो ही आपको मुक्ति मिलेगी, आप लिबरेट हो जाएंगे, और जब लिबरेशन होगा यानी आप लिबरेशन जब हो गया, आपको अटेन हो गई चीजें, सो कोई डिफरेंस नहीं बचता आपकी सोल और ब्रह्मा में, यानी फिर वो एक ही हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये कोट भी इस फिलोसफी में यूज किया जाता है, गुरु इज ब्रह्मा, गुरु इज विष्णु, गुरु इज शिवा, गॉड ऑफ गॉड्स, गुरु इज वेरीली द सुप्रीम ब्रह्मा, सेल्वेशन ऑफ अडोरेबल गुरु। सो ओवरऑल चीजें क्या है कि ब्रह्मा एक ही है, और यहां पे क्या है नॉन ड्यूअलिज्म है, इंडिविजुअल जो है वो मोक्स मोक्ष की प्राप्ति के लिए काम करेगा, जो अद्वैत फिलोसफी को फॉलो कर रहे होंगे वो मोक्ष को अटेन करना चाहेंगे, और मोक्ष कब मिलेगा, जब आप ब्रह्मा का या ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। और जीवन मुक्ति की बात ये करते हैं, लिबरेशन की जब ये बात करेंगे तो जीवन मुक्ति की बात करेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने दो तरह की मुक्ति या समाधि की बात की थी पिछले फिलोसफी में, तो वैसा ही कुछ है यहाँ भी, तो ये उनमें से जीवन मुक्ति पे फोकस करेंगे, यानी लिबरेशन कब होना चाहिए आपका, जब आप जिंदा है, मतलब आपके जिंदा रहते हुए आपको चीजें रियलाइज हो जाएं तो वो जीवन मुक्ति होगी। ठीक है, यानी लिबरेशन मिल गया आपको स्टिल जब आप जिंदा है तब। फिर आता है विशिष्ट अद्वैता, विशिष्ट ये किसने दिया, रामानुजाचार्य ने दिया, ये डेट है, ये डेट ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है नहीं। विशिष्ट क्या है, क्वालिफाइड स्पेशल। ठीक है, अद्वैता मतलब हमने देख लिया था एब्सेंस ऑफ ड्यूअलिज्म, यानी क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म है ये, यानी कि नॉन ड्यूअलिज्म मतलब एक ही बात कर रहे हैं, ये भी जीवात्मन यानी कि क्या है, ये भी क्या है, पार्ट है ब्रह्मा का, यानी जो सोल है वो ब्रह्मा का पार्ट है, तो गॉड सोल नेचर ये अलग अलग पार्ट है ब्रह्मा का, लेकिन अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है। ठीक है उसी का पार्ट बट सेपरेट नहीं है, इसीलिए बोल रहे हैं क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म। वर्ल्ड जो है वो रियल अनरियल नहीं है, एक पार्ट है, वो भी क्या है, गॉड का। इट ऑल्सो प्रोपाउंड्स भक्ति को या डिवोशनल फॉर्म जो है, या जो भक्ति या जो हम पूजा अर्चना करते हैं उसको भी ये क्या करते हैं, मानते हैं। माया जो है वो एक तरीके से क्रिएटिव पावर जो है गॉड की देखी गई है, कि उसी का पार्ट है, उन्होंने ही सब बनाया है। भक्ति क्या है, वे टू सेल्वेशन है, यानी मुक्ति आपको वर्शिप करके, पूजा करके, भक्ति करके मिलेगी। मोक्ष जो है आपको सिर्फ डेथ के बाद ही मिल सकता है, जैसे ये अद्वैतवाद था, इसमें मोक्ष कहाँ बात की गई थी, जीवन मुक्ति की बात की गई थी, यहाँ पे मरने के बाद के मोक्ष की यहाँ पे अहमियत दी गई, बात की गई है। फिर है द्वैता, जो तीसरा हमारा क्लासिफिकेशन, तीसरा स्कूल है, माधवाचार्य ने इसको दिया था, ड्यूअलिज्म इसको बोलते हैं, प्लुरलिस्टिक। अब ड्यूअलिज्म हो गया मतलब दो चीजें हैं, यानी सोल और ब्रह्मा, या भगवान और सोल, नेचर और सोल, ये अलग हैं। ठीक है, सेपरेट है, सो ये इंडिविजुअल सोल को एक सेपरेट की तरह लेता है ब्रह्मा से, और ये भी भक्ति को क्या करते हैं, एडवोकेट करते हैं। इट आइडेंटिफाइज गॉड विद ब्रह्मा कंप्लीटली एंड इन टर्न विद विष्णु एंड हिज इनकारनेशन कृष्ण, तो जो उनके अवतार रहे हैं विष्णु और कृष्ण के, सो वो ब्रह्मा के ही अवतार हैं, सो वो चीज को ये क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, भगवान को मानते हैं। ये भी माया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, माया का कॉन्सेप्ट कब था, द्वैतवाद में था, जब हम बोल रहे हैं कि सब कुछ इल्यूजन है, अपियरेंस या जो भी चीजें दिख रही हैं वो सब माया है, ब्रह्मा सिर्फ एक ही है, अल्टीमेट रियलिटी सिर्फ ब्रह्मा है। लेकिन द्वैत में क्या हो गया, दो, ड्यूअलिज्म की बात कर रहे हैं, सो माया का कॉन्सेप्ट यहां नहीं होगा, वर्ल्ड और गोथ गॉड दोनों के दोनों रियल हैं और अलग अलग हैं, इसीलिए दो हैं वो। ठीक है, एक वर्ल्ड एक गॉड, इसीलिए ड्यूअलिज्म या प्लुरलिस्टिक बोला जा रहा है। गॉड क्या है, सुप्रीम है, उसी ने क्रिएट किया है यूनिवर्स को, और भक्ति जब आप भक्ति करते हैं वही आपको क्या है, गॉड की तरफ, ग्रेस ऑफ गॉड की तरफ अट्रैक्ट करती है।
फिर अब इसको सब ब्रांच बोल लीजिए या फिर अगला फिलोसफी, इसी फिलोसफी का एक और स्कूल बोल लीजिए. सो द्वैत अद्वैत, ठीक है. द्वैत मतलब ड्यूअलिज्म, अद्वैत मतलब एब्सेंस ऑफ ड्यूअलिज्म, यानी ड्यूअलिज्म नॉन ड्यूअलिज्म. इसमें क्या है, निंबार्क का आचार्य ने दिया है, ये ब्रह्मा और जीव दो हो गए ना, रिलेशन मे बी रिगार्डेड एज द्वैता फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू और अद्वैता फ्रॉम अनदर. यानी एक ही चीज, ये जो रिलेशनशिप है, इसको हम दो तरीके से जब देखेंगे, एक तरीके से हमें ये द्वैत दिखेगा यानी ड्यूअलिज्म दिखेगा, और दूसरे तरीके से हमें क्या दिखेगा, अद्वैत दिखेगा. कैसे, तीन कैटेगरीज इन्होंने एग्जिस्टेंस की बताई है, एक ईश्वर जो कि गॉड है, डिवाइन है, हाईएस्ट और सुप्रीम रियलिटी है, एक होगा चित्त, जीव जिसको बोल रहे हैं, जो इंडिविजुअल सोल होगा, सोल हो, और अचित मतलब लाइफलेस मैटर, जिसमें लाइफ ना हो वो मैटर, ठीक है. सो चित्त और अचित जो है वो डिफरेंट है ईश्वर से, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है. सो एक तरीके से हम जब देखेंगे इस फिलोसफी को, तो ये दोनों को मानते हैं, ड्यूअलिज्म और नॉन ड्यूअलिज्म को, दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से. फिर आता है शुद्ध अद्वैत, यानी शुद्ध मतलब प्योर और अद्वैत मतलब एब्सेंस ऑफ ड्यूअलिज्म, यानी प्योरली एब्सेंस ऑफ ड्यूअलिज्म है, तो ये भी किसकी बात कर रहे हैं, ब्रह्मा की एक की बात कर रहे हैं. वल्लभाचार्य ने इस स्कूल को जो है प्रोफाउंड किया है, और ब्रह्मा, ब्रह्मा क्या है, वो क्या है, गॉड क्या है, प्योर है और नॉन ड्यूअलिस्टिक है, यानी दो अलग अलग चीजें नहीं है. यूनिवर्स और सोल जो है वो ब्रह्मा का ही पार्ट है, लेकिन इल्यूजन नहीं है, रियल है बट ब्रह्मा का पार्ट है, ठीक है. तो ये शुद्ध अद्वैत हो गया. अद्वैत में क्या बोला था, कि सब चीजें इल्यूजन है और एक ही है ब्रह्मा. ब्रह्मा यहाँ पे भी एक ही माना गया है, क्योंकि क्या है, एब्सेंस ऑफ ड्यूअलिज्म है. लेकिन शुद्ध क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो रियल है वहां पे, और वो दोनों के दोनों, यूनिवर्स और सोल, किसका पार्ट है, ब्रह्मा का ही पार्ट है. दिस सिस्टम ऑल्सो एनकरेजेस, भक्ति को ही एनकरेज करते हैं, और यही भक्ति ही क्या करवाएगी आपको, लिबरेशन दिलवाएगी, मुक्ति दिलवाएगी. और मुक्ति के बाद आप कहाँ जाएंगे, गोलक जाएंगे, यानी कि जो वर्ल्ड ऑफ काउ या जो भगवान कृष्ण की भूमि है वहां. वर्ल्ड इज सेड टू बी स्पॉट ऑफ कृष्णा हु इज सत चित आनंद, यानी भगवान की लीला जो है वो क्या है, संसार है. तो वो एक कृष्ण लीला होता है ना, जैसे कृष्णा ने अपनी लीला दिखा दी, यानी वो जो कृष्ण जो है उन्होंने ही वर्ल्ड बनाया है, और एक तरीके से उन्हीं की लीला है ये. अचिंत्या भेद अभेद, अचिंत्या भेद अभेद. तो अचिंत्या का मतलब क्या है, इनकंसिवेबल, और भेद मतलब डिफरेंस, और अभेद मतलब नॉन डिफरेंस. सो इनकंसिवेबल डिफरेंस एंड नॉन डिफरेंस, तो ये चैतन्य महाप्रभु ने दी थी इनको, अचिंत्य भेद अभेद बोला जाता है. भक्ति किसके ओरिएंटेड है, यहाँ पे डिवोटी ऑफ कृष्णा, और डॉक्टर हैं ये, उसी को फॉलो करते हैं. और फेमस जो इस्कॉन मूवमेंट है, वर्ल्ड फेमस इस्कॉन मूवमेंट, वो किसको फॉलो करते हैं, कृष्ण को ही फॉलो करते हैं, और वो ये जो अचैतन्य भेद अभेद की जो फिलोसफी है वेदांता की, उसको फॉलो करते हैं. इसका मतलब क्या हो गया, कि डिफरेंस है, नॉन डिफरेंस है. मतलब जैसे अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ओशन इज ऑल्सो वॉटर ऑफ ओशन, यानी हमने अगर हम सागर से एक बूंद पानी उठाते हैं, तो वो भी ओशन का ही पानी हुआ, लेकिन वो पानी पूरा ओशन नहीं है. ऐसे ही भगवान के साथ या कृष्ण के साथ बोला जाता है, कि कृष्ण का ही पार्ट है सब, लेकिन सब कृष्ण नहीं है, ऐसा. यानी कि इनकंसीवेबल डिफरेंस एंड नॉन डिफरेंस इसको बोला गया. अब अगर आगे हम बात करें मेटाफिजिक्स की, तो ये मेटाफिजिक्स या एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी किसके अकॉर्डिंग है, शंकरा के अकॉर्डिंग है. यानी अद्वैत फिलोसफी जो हमने पढ़ी है, अद्वैत वेदांता, उसके अकॉर्डिंग चीजें हम पढ़ते हैं. सो रियलिटी एक ही है, उसके अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा था, ब्रह्मा ही अल्टीमेट रियलिटी है, वर्ल्ड रियल नहीं है, ये सब इल्यूजन है और माया है. एपिस्टेमोलॉजी की बात करें, यानी स्टडी ऑफ नॉलेज, तो पराविद्या और अपराविद्या की बात की गई है. पराविद्या मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज, और अपराविद्या मतलब प्रैक्टिकल और वर्ल्ड की नॉलेज, जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनकी नॉलेज. जब हम एपिस्टेमोलॉजी यानी स्टडी ऑफ नॉलेज, जब हम करिकुलम की बात करेंगे, जो कि एपिस्टेमोलॉजी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखा था एक क्वेश्चन ऐसा, कि करिकुलम से रिलेटेड चीजें कहाँ इंक्लूड होंगी, तो वो एपिस्टेमोलॉजी में इंक्लूडेड होंगी. तो जब पराविद्या की बात करेंगे, तो स्पिरिचुअल नॉलेज से रिलेटेड जो जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, मतलब इसके अंदर, वेदांता फिलोसफी के अंदर. और प्रैक्टिकल और वर्ल्डली नॉलेज से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे. नॉलेज को कैसे एक्वायर किया जा सकता है, श्रवण यानी सुन के, मनन यानी सोच के, और निधि ध्यासन मतलब प्रैक्टिस करके.
सो ये सारी चीजें मैंने कहाँ करवाई थी, वैदिक एजुकेशन सिस्टम की जब मैंने बात की थी, बिल्कुल पहली वीडियो जो चैनल पे मैंने अपलोड की थी वो वैदिक एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड थी। सो वैदिक एजुकेशन सिस्टम जो होगा ना वो एक तरीके से वेदांता फिलोसफी की क्या है, एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे कि वेदांता फिलोसफी के अकॉर्डिंग हम उसकी बात करेंगे ना, एजुकेशन की, एम्स ऑफ एजुकेशन की, तो हमें वैदिक एजुकेशन सिस्टम पढ़ना पड़ेगा एक बार। एक यहाँ कॉन्सेप्ट है साधना चतुष्टया का, मतलब चार ऑब्जर्वेशन मेथड्स की ये बात करते हैं कि वो कंपलसरी, यानी ऑब्जर्वेशन मेथड्स कंपलसरी हैं अगर आपने स्पिरिचुअल नॉलेज अटेन करनी है तो। सो कोई भी इंसान जब इन ऑब्जर्वेशन मेथड्स को फॉलो करेगा, सो वो क्या करने के लिए करेगा, एक पर्सन जो है वो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कौन सा रियल है कौन सा अनरियल है ये पता लगा पाएगा, लर्न डिटैचमेंट, वर्ल्डली चीजों से कैसे डिटैच होना है ये सीख पाएगा, अपने माइंड को और सेंसेस को ट्रेन कर पाएगा, और वर्ल्ड प्लेजर से खुद को विड्रॉ कर पाएगा, क्योंकि सेलिबेसी की बात करते हैं ना हम इसमें, फोकस डेवलप कर पाएगा, प्रैक्टिस फॉर अलाइनमेंट, एनलाइटनमेंट और लिबरेशन की बात करेगा, ठीक है। तो उसके लिए प्रैक्टिस करेगा, सो ये सारी चीजें तब कर पाएगा जब वो ऑब्जर्वेशन करेगा, ऑब्जर्वेशन मेथड्स को फॉलो करेगा। फिर आता है एक्सियोलॉजी, जिसमें हम स्टडी ऑफ वैल्यू की बात करते हैं। सो टू परफॉर्म ड्यूटीज, तो हमें लॉयल और ऑनेस्टी के साथ ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, ताकि जो इटर्नल यूनिवर्सल सेल्फ है वो हमें, हम रियलाइज कर पाए। हमें सेल्फ कंट्रोल, डिजायर लेसनेस, यानी डिजायर्स को कम करना, कैसे कैसे कम करते जाए हम, और माइंड को कंसंट्रेट करना है। सो हमें ईमानदारी से अपना काम करना है, तो ये उस वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं। कोश का कॉन्सेप्ट जो है वेदांता फिलोसफी में कई बार पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। पांच कोश है, पंचकोश का कॉन्सेप्ट बोला जाता है, हमें पता होना चाहिए। सो पंचकोश मतलब डिवाइन पार्ट ऑफ अस इज हिडन बाय माया, क्योंकि ये तो माया को मान रहे हैं ना, वर्ल्ड तो इल्यूजन है। सो डिवाइन पार्ट जो है वो क्या है, हिडन है हमारे अंदर। तो जो हमारे अंदर हिडन है, और माया क्या है, वो उसको उन चीजों को वैसे दिखाती है जैसे वो शायद है नहीं एक्चुअल में, ठीक है। सो हर एक कोश जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ माया या अपीयरेंस को दिखाता है, कि कैसे जो हमारा अनकरप्टेबल, इनकरप्टेबल सेल्फ है वो कैसे कवर्ड है माया से। सो वो पांच तरीके की माया या पांच तरीके की लेयरिंग की ये बात करते हैं। सो कोश मतलब क्या हो गया, लेयरिंग या शीत। योगिक थॉट के अकॉर्डिंग क्या है, फाइव डिफरेंट लेयर्स जो है वो कवर करती हैं इनकरप्टेबल सेल्फ को, यानी जो सेल्फ हमारा एक्चुअल में है वो प्योर है, डिवाइन है, लेकिन उसी को इसीलिए क्या बोल रहे हैं, इनकरप्टेबल बोल रहे हैं। सो उसको बाहर से कौन, माया जो है उसको घेरे रहती है, तो वो माया में कौन कौन से पांच तरीके की माया है वो हम बात करेंगे। वेदांता फिलोसफी जो है वो क्या बोलती है, कि ये जो कोश है कॉन्स्टिट्यूट, ये नॉन सेल्फ को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब एक्चुअल सेल्फ तो अंदर है, ये जो कोश दिख रहे हैं आपको, लेयरिंग दिख रही है, ये तो क्या है, नॉन सेल्फ है। सो अगर हमें इनकरप्टेबल सेल्फ को रियलाइज करना है, सो हमें एक कोश से अंदर दूसरे कोश में, तो हमें पांचों लेयर्स को कवर करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि इनर सोल क्या है, या जो आत्म है या मन है, आत्मा है, वो क्या है, सेल्फ क्या है, ठीक है। सो एक मतलब ये आप ये लगा लीजिए, इस तरीके की लेयरिंग है कि यहाँ पे आपका मन, ये जो एक्चुअल सोल है, सेल्फ है, उसके बाहर ये पांच लेयरिंग लगा लीजिए आप, ठीक है जी, पांच बना लेना इनको। सो जो बाहर वाली होगी वो बिल्कुल ग्रोस होगी, बाहर है, जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे सटलनेस इंक्रीज होगी, यानी सूक्ष्मता इंक्रीज होती जाएगी, तभी आप जाके क्या पहुंचेंगे, प्योर सोल के पास पहुंचेंगे, ठीक है। अब ये पांच कोश कौन कौन से हैं, सो पहला है फिजिकल बॉडी, यानी अन्न माया कोश। सो अन्न मतलब एक तो आउटर मोस्ट लेयर हो गई ये, जिसको फिजिकल बॉडी बोल रहे हैं, यानी ऑर्गन्स, बोन, मसल टिश्यू, स्किन, ये सब चीजें। और कमाल की बात यह है कि ये टेंजिबल है, यानी हम इसको देख सकते हैं कि ये एग्जिस्ट करती है हमारी बॉडी, ठीक है। अन्न मतलब क्या हो गया, फूड, और उसको फिजिकल मैटर की तरह भी लिया जाता है। सो ये जो माया, और माया का मतलब तो उससे बना हुआ होना, सो मोस्ट फेमिलियर विद आर अन्न माया कोश, क्योंकि हमें पता होता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या चीजें, या फिर हमारी बॉडी किस तरीके से है, ठीक है। सो एक्सपीरियंस ऑफ आर फिजिकल बॉडी इन योगा, उसकी बात कहाँ पे है, ये अन्न माया कोश है, जो कि आउटर मोस्ट लेयरिंग रहेगी, अन्न का मतलब फूड या फिजिकल मैटर रहेगा, और ये मोस्ट टेंजिबल है, यानी हम इसको देख सकते हैं कि एग्जिस्ट करता है। एनर्जी कोश, अब जैसे आप बोल रहे हैं ना कि इसमें हो सकता है, आप इसको समझना है कि एग्जिस्ट करता है का मतलब, अब एनर्जी बॉडी से इसको कंपेयर करके देखिए, प्राण कोश, प्राण माया कोश, यानी नेक्स्ट लेयर हो गई ये, सेकेंड लेयर। प्राण मतलब
ब्रेथ, यानी रिलेटेड टू ब्रेथ, जैसे प्राणायाम करते हैं ना हम. सो प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम जो है वो प्राण को या सांस को क्या करेगी, रेगुलेट करने में, डायरेक्ट करने में हेल्प करेगी. बट हम देख नहीं सकते इस कोश को, यानी हम सांस को फील कर सकते हैं, सांस लेना, एक्सहेल करना, इनहेल करना, बट हम उसको देख नहीं सकते. ऐसे ही जो फर्स्ट कोश था हमारा अन्नमाया कोश, उसमें हम बॉडी, जो फिजिकल बॉडी है, उसको देख सकते हैं. ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो मोस्ट टेंजेबल है और इसको हम नहीं देख सकते, फील कर सकते हैं. फिर हम मेंटल बॉडी, जो तीसरा कोश है, मनोमाया कोश. मनो मतलब मन, माइंड. सो थर्ड लेयर कॉरस्पॉन्ड टू योर माइंड, इमोशंस एंड नर्वस सिस्टम, एक्सप्रेस्ड एज स्ट्रीम ऑफ थॉट्स, फीलिंग, सेंसेशन. इसीलिए इसको मनोमाया कोश बोला जाएगा, क्योंकि मनस से आया है, जिसका मतलब है माइंड या एक थॉट प्रोसेस. तो ये तीसरा होगा. अगर हमें इन तीनों में से पूछा जाए कि मन के सबसे करीब कौन सा है, सो मनोमाया कोश होगा, और सबसे बाहरी कौन सा हो गया, अन्नमाया. जैसे ही हम चौथे कोश को इंक्लूड करेंगे तो ये सबसे नियरेस्ट हो जाएगा, यानी विजन्न माया कोश, कोश आएगा ये, KOSH. इसका मतलब क्या होगा, विजन्ना का, टू नो डीपली और इंटेंसली. मतलब अगर आप योग कर रहे हैं, सो आपकी जो प्राण, मतलब आपको सब चीजों पे फोकस होना चाहिए, आप डीपली उसके बारे में सोच रहे हैं. ठीक है, सो बेनिथ द कॉन्स्टेंट स्ट्रीम ऑफ थॉट्स, फीलिंग, सेंसेशन, लाइज एन इनर नोइंग एंड हायर इंटेलिजेंस इन योर विजडम बॉडी. और उसको हम क्या बोल रहे हैं, विजन्ना. विजन्ना मतलब इंटेलेक्ट, यानी आप उसके बारे में डीपली जानना चाहते हैं, टू नो डीपली और इंटेंसली उस चीज के बारे में. सो ये वो विजडम बॉडी हो गई. एक होगी ब्लिस बॉडी, आनंद माया कोश. तो ये डीपेस्ट लेयर है. अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे क्लोजेस्ट या सबसे नियरेस्ट कोश कौन सा है, सो वो आनंद माया कोश होगा. हमारे मन के, आत्मा के पास जो है वो कौन सा है, आनंद माया कोश. आनंद मतलब एक तरीके से खुशी, जॉय, ब्लिस, उसको हम बोलेंगे. तो हाइएस्ट सेल्फ और स्पिरिट, योर ब्लिस बॉडी इज वेयर यू एक्सपीरियंस द अनबाउंडेड फ्रीडम, एक्सपेंस, जॉयनेस ऑफ योर ट्रू नेचर. तो आपका एक्चुअल नेचर क्या है, जहां पे आप पता लगा पाए. तो इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, नियरेस्ट बोला जा रहा है. यानी कि अगर मैं इस तरीके से ये लेयरिंग बनाऊं, तो सबसे बाहर वाली कौन सी होगी, फर्स्ट लेयर होगी जो हमने मन, उसके बॉडी से रिलेटेड की, अन्न माया कोश. ठीक है, अन्न माया और कोश. कोश मतलब लेयरिंग, माया मतलब ये जो हमने अपियरेंस दिखाई है, इल्यूजन दिखाया है, और अन्न मतलब फिजिकल बॉडी, फूड से रिलेटेड, बाहरी. ठीक है, सेकंड वाली जो लेयर होगी वो किससे रिलेटेड होगी, जो हमने अभी पढ़ी थी, प्राण, प्राण से रिलेटेड. थर्ड जो होगी वो मन से. फोर्थ लेयर, तो ये अंदर अंदर जाते जाते, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो फिफ्थ लेयर होगी, और यहाँ पे क्या है, हमारा सेल्फ है, मन है, एक्चुअल सेल्फ. सो ये जो बिल्कुल इनर मोस्ट है, ये नियरेस्ट होगी किसके, आत्मा के, मन के, सेल्फ के. सो ये आनंद माया कोश. तो ये पांचों कोश आप याद रखिएगा. अब कमाल की बात ये है कि ये जो पांच के पांच कोश हैं, ये चेंजेबल हैं, लेकिन सेल्फ जो है वो अनचेंजिंग है. तो ये कोश चेंज हो सकते हैं, बट सेल्फ कभी चेंज नहीं होगा. अब जो एम्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, या स्टूडेंट का रोल, टीचर का रोल, ये सारी चीजें आप और भी बेहतर डिटेल में अगर आपने करनी है, तो आप वैदिक एजुकेशन सिस्टम की जो है वीडियो देख सकते हैं एक बार, क्योंकि वैदिक एजुकेशन सिस्टम में वो एक तरीके से वेदास को, या फिर वैदिक एजुकेशन सिस्टम में वेदांत फिलोसफी को ही एक तरीके से फॉलो किया जाता है. सो वो वैदिक एजुकेशन सिस्टम की वीडियो एक बार देख लीजिएगा डिटेल के लिए. एम्स की अगर हम बात करें, तमसो मा ज्योतिर्गम्य, यानी डार्कनेस को, डाउट्स को दूर भगाते हैं, इसका ये एम है. मतलब आपको एजुकेशन, तो जो आप, जब आपको एजुकेशन मिल गई, सो आपके डार्कनेस से दूर हो, आप एनलाइटन हो, तो वो चीजें होनी चाहिए ना, वही बात की गई है. इंडिविजुअल सेंटर्ड एजुकेशन पे फोकस करते हैं, हर एक इंडिविजुअल पे फोकस हो. नेचर ओरिएंटेड एजुकेशन है, जैसे वैदिक एजुकेशन में मैंने पढ़ाया था कि बाहर, मतलब थोड़ा सा नेचर के पास, गुरुकुल जो हो गांव से थोड़ा दूर, ऐसे होते हैं, गुरुकुल की बात होगी ना यहाँ. रिलीजन सेंटर्ड एजुकेशन है, माइंड के ऊपर फोकस किया गया, ऑलराउंड डेवलपमेंट चाइल्ड के ऊपर फोकस करेंगे. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले. सेल्फ सफिशियंसी, यानी एक तरीके से वोकेशनलाइजेशन हम बोल सकते हैं, कि आप एजुकेशन के बाद सेल्फ सफिशियंट हों, काम के वे में भी, और जो है आपके इंटेलेक्ट के बेसिस पे भी. डिसिप्लिन की बात की गई, डिसिप्लिन पे फोकस रहेगा. प्यूपल टीचर रिलेशनशिप पे भी फोकस रहेगा, कि एक बेटर रिलेशनशिप निकल के आए. टीचर का रोल एक गाइड का, मेंटोर का, फादर फिगर बोलते थे जैसे मैंने पढ़ाया था, सो पेरेंट की तरह रोल मॉडल और एक फ्रेंड की तरह भी रहेगा कहीं ना कहीं.
करिकुलम की अगर हम बात करें, जो कि एपिस्टेमोलॉजी के अंदर इंक्लूड होगा, ये याद रखिएगा, हमने दो तरीके से पढ़ा था, पराविद्या अपराविद्या। सो स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए लिटरेचर, रिलीजन, फिलोसफी, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, जैसे योगा में हमने पढ़ा था यम, नियम, आसन, सो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। अपराविद्या में लैंग्वेज, मेडिसिन, यानी जो वर्ल्डली या प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड है, वोकेशनल एजुकेशन, मैथमेटिक्स, सो वैदिक मैथ्स भी काफी फेमस है, सो उन सब चीजों से रिलेटेड करिकुलम रहेगा। स्टूडेंट का रोल रहेगा कि वो सच बोले, अपने जो है शिक्षक को भी भोजन ला के खिलाएं, डिवोशन रहे टीचर के प्रति, पूरा का पूरा सरेंडर कर दें, सेलिबसी को फॉलो करें, ब्रह्मचार्य को फॉलो करें, कंसंट्रेटेड रहें अपनी चीजों के प्रति, तो ये सारी चीजें रहेंगी। डिसिप्लिन की बात करें तो सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो डिसिप्लिन के बिना पॉसिबल है नहीं, तो स्ट्रिक्ट और सेल्फ डिसिप्लिन की ये बात करते हैं। ट्रू डिसिप्लिन का मतलब क्या लगा के चलते हैं हम? कंसंट्रेशन और एकाग्रता को लगा के चलते हैं कि आप डिसिप्लिन कब हैं, जब आप कंसंट्रेटेड हैं। स्कूल की अगर हम बात करेंगे तो गुरुकुल और आश्रम्स जो टीचर्स के होते थे वहां पे पढ़ाया जाता था, वही स्कूल होते थे। मेथड्स ऑफ टीचिंग में क्या होता था, सबसे मेजर क्या, ओरल, यानी जब आप डिस्कस करते हैं ओरली, मौखिक रूप से टीचर आपको बता देगा, आपको वो चीजें याद रखनी है, तो वो चिंतन कि आप कंसंट्रेट करके सोच रहे हैं उस बारे में, ये भी मैंने आपको वैदिक एजुकेशन में डिस्क्राइब किया था। अब चिंतन और ओरल के बेसिस पे कौन कौन से मेथड ऑफ टीचिंग हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आंसर, टीचर पूछ रहे बता रहे हैं, फिर लेक्चर मेथड की टीचर ने आपको बता दिया, ये मतलब एक पैसिव इंफॉर्मेशन आपको दे दी, डिस्कशन की टीचर और या बच्चों में डिस्कशन करवा रहे हैं, या स्टोरी टेलिंग है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय इनसाइट, ये सारे के सारे मेथड ऑफ टीचिंग में इंक्लूड हो जाएंगे जहां पे ओरल यानी मौखिक रूप से और चिंतन की बात हो रही हो। सो ये था कंप्लीट वेदांत फिलोसफी। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में और जाननी है इसी के बारे में, सो आप एक बार वैदिक एजुकेशन सिस्टम भी पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आपकी वेदांत फिलोसफी कंप्लीटली कवर हो जाएगी, उसमें कुछ बचेगा नहीं। सो क्वेश्चंस तो आई होप यहाँ से सोल्व हो ही जाएंगे, बाकी देखते हैं कोई नया क्वेश्चन ना आए इस बार, क्योंकि मेजर पोर्शन जो है वो मैंने आपका वेदांत फिलोसफी का कवर कर दिया है अपनी साइड से बेस्ट। और दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।